जायदाद के खातिर एक बेटे ने अपनी ही माँ को जिंदा जला दिया। वो बेचारी तो सो रही थी, उसे क्या पता था जिस बेटे को उसने अपनी कोख से पैदा किया वही बेटा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। उस बुजुर्ग महिला ने न्यूज टाइम नेशन के कैमरे पर अपना आखिरी बयान दिया, जिसमें उसने साफ कहा कि बेटे आकाश और उसकी पत्नी ने उन्हें जिंदा जलाया है। किन्ने लगाई अम्मा, किन्ने लगाई? लड़के ने? लड़के के ससुराल वालों ने। अच्छा, लड़के का क्या नाम है आपके? आकाश। आकाश, और किसने किसने क्यों लगाई आग? दर्द भरी लरजती जुबान से इस महिला ने अपने साथ हुई खौफनाक वारदात की तस्दीक कर दी और कुछ देर के बाद ही दम तोड़ दिया। यह मामला शाहजहांपुर जनपद के थाना कोतवाली जलालाबाद कस्बे के नौसेरा मोहल्ले का है, जहां सोमवार की सुबह बुजुर्ग रत्ना गुप्ता और उनके बड़े बेटे आकाश के बीच जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था। दोपहर में पंचायत हुई लेकिन मामला तय न हो सका, लिहाजा रत्ना के बड़े बेटे आकाश ने पत्नी और ससुराल वालों के साथ मिलकर सोते वक्त ही रत्ना पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। छोटा बेटा किशन जैसे तैसे मौके से जान बचाकर फरार हो गया। आनन फानन में झुलसी हुई हालत में रत्ना देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे को बेनकाब कर दिया। पंचायत हुई तो आप बताओ। अच्छा, अब मेरा रात में आग लगा ली। तो ये बताओ आकाश क्या तुम्हारे यहाँ रहता है, घर में रहता है? तो कल कई बजे आग लगाई? अच्छा, क्या डाला उसने? खटिया मिट्टी खेला। अच्छा, मिट्टी का तेल खटिया पे डाला। उसके साथ और कौन कौन था? ससुर, क्या नाम था उसका? अच्छा, और कौन था? मैया ससुर विनोद। बीबी का क्या नाम है? दीपशिखा। अच्छा, तो बेटे ने आग लगा ली। तो बेटा क्यों आग लगा रही, क्या ऐसी क्या बात हो गई थी आपसे जो उन्होंने आग लगाई आपके? वो चार पैसे मांगने नहीं आया। अच्छा, मेरा आप डॉक्टर? हाँ, हम खाए हुए परों के खाए हुए। अच्छा अच्छा, हम खिलवाएंगे खाना तुम्हें। अच्छा, वो ये चाहता था सब हमें मिल जाए, क्या क्या हमें मिल जाए? ये प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में आया है। ये बताया जा रहा है कि इनका परिवार में दोनों भाइयों के मध्य कुछ विवाद शुरू से चल रहा था, जिसमें कल कुछ पंचायत भी हुई थी। जो बड़ा वाला बेटा है, जिस पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसके द्वारा अपनी माता को इमोलेट कर दिया गया है, तो उसमें कल कुछ पंचायत में कुछ चीज़ें तय भी शायद हुई, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इसमें इनके छोटे भाई ने एक तहरीर दी है थाने पर। CO साहब स्वयं मौके पे हैं और वो इसकी जांच कर रहे हैं, और जो सही कार्रवाई होगी बिल्कुल विधिक कार्रवाई की जाएगी। रत्ना आज इस दुनिया में नहीं है, वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई, और उनमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या कोई इंसान चंद रुपयों और जमीन के टुकड़े के खातिर इतना गिर सकता है कि अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दे। शाहजहांपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए आर्यन पाल सिंह की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।